असलमकुम बच्चों बच्चों आज हम मराठी का पाठ क्रमांक अठारह अम्मी की माया पढ़कर समझेंगे जना व सलमा या दोि खूब मैत्री होती त्या दोगी एकाद वर्गत वर्गात शिकत होत्या जना और सलमा ये दोनों गहरी सहेलियाँ थीं और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं त्या दोगि ना एक मेकिन शिवाय करमत नसे। वो दोनों का दिल एक दूसरे के बग़ैर कभी भी नहीं लगता था सलमा चे घर शाड़े चा रस्त्यावर होते सलमा का घर जो है स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था एक दिवसी सका पासन खूब पाउस पड़त होता पाउसा चे पानी रास्तवर जागो जागी साचले होते एक दिन बारिश का बहुत सारा पानी जो है बारिश का पानी रास्ते पर बहुत जमा हुआ था पाउस थाम शाड़े जाना जना सलमा घर कड़े निघाली जब बारिश रुक गई तो जना जो है सलमा के घर की तरफ निकली पन पावसा मुड़े सर्वतल चिखल झाला होता लेकिन बारिश की वजह से हर तरफ जो है तो कीचड़ हो चुका था चालता चालता जना सा पाय घसरला व ती पड़ ली चलते तो चलते ऐसा हुआ कि जना का पैर जो है वो फिसल गया और वो कीचड़ में गिर गई तीसा गणवेश चिखलाने भरला दफ्तर ही चिखलाने भर ले और उसका गणवेश यानी स्कूल का जो यूनिफॉर्म था वो भी कीचड़ में भर गया और उसका जो बैग था वो भी जो है कीचड़ से लतपत हो गया शाला भरने की वे झाली होती ती घाबरून रड़ू लागली स्कूल के शुरू होने का वक्त हो चुका था इसलिए सलमा जो है बहुत घबरा गई और वो जो है रोने लगी ती रड़त रड़त सलमा चा घर आली और फिर वो रोते रोते जो है वो सलमा के घर तक आई